दोस्तों नमस्कार। पुराने जितने भी वार्ड के सचिव थे और जितने भी पहले से अनुरक्षक थे, सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पूरी वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे। जो वार्ड के पुराने सचिव थे, काफी दिनों से अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अब जो है नया पोर्टल पर एक लिस्ट बन करके आया है, जो लिस्ट मैं इस वीडियो में प्रूफ के तौर पर मैं दिखा दूंगा। और जितने भी अनुरक्षक भाई ग्रुप में जुड़े हुए हैं, बिहार यूनियन ग्रुप जो है उसमें मैं लिंक डाल दिया हूं, उस लिंक को ओके कर करके आप पूरे बिहार के लिस्ट देख सकते हैं। जब लिंक ओके कीजिएगा तो बिहार के सभी जिला का नाम आएगा, उसके बाद प्रखंड का नाम आएगा, फिर उसको ओके कीजिएगा तो फिर पंचायत का नाम आएगा, और हर आदमी अपना अपना नाम लिस्ट नया जो पोर्टल पर जो नाम चढ़ा है वह देख सकते हैं। काफ़ी दिनों से अनुरक्षक भाई परेशान थे कि मेरा पोर्टल पर से नाम हट गया, पोर्टल पर से नाम हट गया, मैं क्या करूं क्या करूं। तो जो भी जिनका भी पोर्टल पर से नाम हट गया था वह टोटल अपडेट होकर के अब फिर से आ गया है। जो भी पहले से अनुरक्षक थे उसी अनुरक्षक का नाम अब आ गया, जो पहले से वार्ड के सचिव थे उन सचिव का नाम आ गया, और नया जो भी वार्ड बने हैं उनका नाम आया है, और जो पहले से वार्ड थे और फिर अभी वार्ड बने हैं उनका नाम आया है। मतलब वार्ड के सामने वार्ड का नाम आया है जो नया बना है उनका, और सचिव के सामने जो सचिव का नाम था जो पहले से सचिव था उनका नाम आ गया, और अनुरक्षक के सामने जिनका अनुरक्षक में पहले से नाम था, अनुरक्षक में जितने लोग चयनित थे उनका नाम आ गया। यह नया पोर्टल अपडेट होकर के चला आया है। तो जितने भी अनुरक्षक भाई जुड़े हुए हैं ग्रुप में, उस पर लिंक डाला हुआ है, आप लोग उस लिंक को ओके कर करके आप लोग अपना अपना नाम देख सकते हैं और प्रिंट आउट करा सकते हैं। तो यह एक खुशी यह इस चीज का है कि जिनका नाम हट गया था अब हटा हुआ नहीं है, जो पहले जैसे था वैसे ही आ गया। सिर्फ जहां जहां नया वार्ड बना है उस नया वार्ड का नाम आया है, वो भी वार्ड के जगह पर वार्ड का नाम है, अनुरक्षक की जगह पर वार्ड का नाम नहीं है। अनुरक्षक के जगह पर जो पहले से अनुरक्षक है उसी का नाम है, और सचिव के जगह पर जो पहले से सचिव है उसी का नाम है। तो यह लिस्ट आप देख सकते हैं और प्रिंट आउट कराकर रख भी सकते हैं। लेकिन अब जो नल जल पीएचडी में चला गया, अब हमें अनुरक्षक का लिस्ट नहीं, पोर्टल का लिस्ट नहीं, बल्कि अब हमें वह नियमावली देखना है जो पीएचडी विभाग ने नया नियमावली बनाने जा रहा है। कई जिला में कई पंचायत में काम चालू हो गया है पीएचडी का। जो जियोटेक का काम अभी शुरुआत हुआ है, जियोटेक किया जा रहा है। मतलब जिनके जमीन में नल जल है उस जमीन वाले को नल जल के समीप खड़ा करा करके फोटो खींच करके भेजा जा रहा है। मतलब यह एक जियोटेक अभी काम चालू है, कुछ जिला में चालू है, कुछ जिला में बाकी है, सभी जिला में जियोटेक होगा, और जिनके जमीन में नल जल है उन्हीं का फोटो खींचकर जियोटेक करके भेजा जाएगा। और उम्मीद यह जताया जा रहा है कि जिनका जमीन में नल जल है, पहले अनुरक्षक था, अब पंप ऑपरेटर के नाम से जाना जाएगा, पीएचडी पंप ऑपरेटर के नाम से लिस्ट बनाता है और पीएचडी जो है पंप ऑपरेटर ही मानता है, अब अनुरक्षक नहीं रह जाएगा।
तो मैं उन अनुरक्षक भाइयों के लिए यह वीडियो बनाया हूं जो अनुरक्षक भाई परेशान थे कि मेरा पोर्टल पर नाम नहीं है, पोर्टल पर नाम नहीं है। तो अब जो है आप लोग पोर्टल पर नाम देख सकते हैं, जबकि आज मैं वीडियो बना रहा हूं, आज से दो रोज पहले मैंने ग्रुप में यह लिंक डाल दिया हूं, लेकिन हमारे कुछ ऐसे अनुरक्षक भाई हैं जो व्हाट्सएप से मतलब रखते नहीं हैं, ग्रुप से मतलब रखते नहीं हैं और देखते नहीं हैं और अनजान बने रहते हैं। जब समय पड़ता है तो कॉल आता है, मैसेज आता है कि हमें यह चाहिए वह चाहिए। इसलिए मैं तमाम अनुरक्षक भाई से आग्रह करूंगा कि जब तक आपको पूर्ण अधिकार नहीं मिल जाता है तब तक व्हाट्सएप ग्रुप में और यूट्यूब चैनल पर ध्यान देते रहिए। कब आपकी जानकारी का अच्छा वीडियो मिल जाए, कब आपकी जानकारी का अच्छा लेटर मिल जाए, इसलिए इस पर सतर्क रहना जरूरी है और जानकारी हासिल करते रहना है। तो चलिए मैं उस लिस्ट को आप लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूँ जो पहले से अनुरक्षक का जो लिस्ट था पोर्टल पर वह किस तरह से था और अभी जो पोर्टल पर जो नाम चढ़ा है वह लिस्ट किस तरह से है। दोनों लिस्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि जो भी पहले से अनुरक्षक था आज नया लिस्ट पर वही है, जो भी पहले से वार्ड सचिव था वो आज भी वही है, सिर्फ बदला है तो नए वार्ड का नाम बदला है। जहां नया वार्ड बना है वहां नया वार्ड का नाम आया है, जहां पुराना वार्ड है और दोबारा वही वार्ड जीता है वहां उसी का नाम है। तो चलिए मैं दिखाता हूं दोनों लिस्ट का अंतर क्या है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आप लोग भी प्रिंट आउट कराकर रख लीजिए इसको ताकि समय पर काम आएगा। जिनको यह लिंक नहीं मिला हुआ है वो लोग कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर भेज करके और व्हाट्सएप से जुड़ कर करके आप हमसे लिंक ले सकते हैं या आप इसका फोटोकॉपी ले सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा। तो चलिए आपको दिखाता हूं वह पोर्टल पर का लिस्ट जो नया और पुरान में क्या अंतर है। हाँ, तो यह आप देख सकते हैं ये पुराना वाला लिस्ट है, इसमें वार्ड का नाम है, सचिव का नाम है और वर्किंग अनुरक्षक, ये पुराना वाला लिस्ट। जैसे हम मुजफ्फरपुर जिला के बरियारपुर दसवीं पंचायत से है मोतीपुर प्रखंड, तो मेरा 11 नंबर वार्ड हो गया। इसमें आप देख रहे हैं 11 नंबर वार्ड में उषा देवी लिखा हुआ है जो पहले से वार्ड है, ये पुराना वाला लिस्ट है। और प्रीति कुमारी जो वार्ड के सचिव है और चुम्बन चौधरी जो अनुरक्षक है, वर्किंग अनुरक्षक। तो यह पुराना वाला लिस्ट आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ और यह जो है वो नया लिस्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। वार्ड नेम, वार्ड का मोबाइल नंबर, सचिव का नाम और वर्किंग अनुरक्षक है। तो आप लोगों को मैं दिखाया हूँ 11 नंबर वार्ड से का एग्जाम्पल दिया हूँ 11 नंबर वार्ड का। तो 11 नंबर वार्ड में उस में किसका नाम था, उषा देवी। यहाँ 11 नंबर वार्ड में क्या लिख रहा है, संजय कुमार और सचिव, उसमें प्रीति कुमारी थी, इसमें भी प्रीति कुमारी है। और अनुरक्षक में चुमन चौधरी था, इसमें भी चुमन चौधरी है। तो इस तरह से नया अपडेट होकर चला आया नया लिस्ट, आप लोग अपना अपना लिस्ट निकाल कर देख सकते हैं, ये नया लिस्ट और ये पुराना लिस्ट। अब एक नंबर वार्ड को मैं आप लोगों को दिखा दूं कि एक नंबर वार्ड में लालती देवी लिखा हुआ है वार्ड का नाम पुराना वाला में, और नया वाला में एक नंबर वार्ड में देख लीजिए रेणु देवी है और सचिव राहुल कुमार नया में। तो पुरान का लिस्ट में फिर देखिए सचिव राहुल कुमार,
तो सचिव का नाम नहीं बदला है, अनुरक्षक का नाम नहीं बदला है, बदला है तो सिर्फ जहाँ जहाँ नया वार्ड जीत करके आए हैं उस वार्ड का नाम चेंज हुआ है, बाद बाकी सारा लिस्ट वही रह गया। अब आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग अपने अपने ग्रुप में भेजिए ताकि सभी लोगों को सही जानकारी मिल सके और सभी लोग अपना लिस्ट निकाल सके। लिस्ट निकालना कैसे है, गूगल पर जाइए और वार्ड प्रोफाइल सर्च कीजिए। जब आप वार्ड प्रोफाइल सर्च कीजिएगा तो पूरे बिहार का नाम, जिला का नाम चला आएगा। उसके बाद जब जिला पर सर्च कीजिएगा तो प्रखंड का नाम आएगा, जब प्रखंड पर सर्च कीजिएगा तो अपने अपने पंचायत का नाम आएगा, और आप लोग अपने अपने पंचायत का लिस्ट निकालिए और देखिए।